34 क्वेश्चन आ गया अब हमारा. इन केस ऑफ इंडिया द प्रोग्रेस ऑफ रीशेपिंग पैट्रियार्की हैज इटसेल्फ बीइंग वेरी लो. बिल्कुल सही, लो है. क्यों लो है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव रोल सोशल, तो रीजन भी इसका सही है. तो हमारा आंसर हो गया 1. दोनों हमारे सही है ये. 35 क्वेश्चन. अब हमें ईयर के साथ सेक्स रेशो मैच करनी है. 51 में सेक्स रेशियो थी 9.46, 71 में 9.30, 91 में 9.57 और 11 में, ये आंसर इसी सीरीज में 1, 2, 3, 4. तो हमारा आंसर हो गया 3. यहाँ पे ये 3 आंसर है हमारा. नेक्स्ट, द फोर्डिस नॉर्म्स ऑफ वुमेन डिपेंडेंट ऑन मेल ब्रेड विनर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंक्रीजिंग इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ वुमेन अंडर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. बिल्कुल सही है. द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इन लेबर मार्केट हैज प्रमोटेड न्यू रेवोल्यूशन. बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है. तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे 2. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन अ फेमिनिस्ट रिसर्चर स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सम न्यू टीचिंग मेथड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन विलेज. तो हमें परफॉर्मेंस की स्टडी करनी है किसकी, गर्ल्स स्टूडेंट्स की, कुछ नए टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करने के बाद. तो इसके लिए कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा? बाय बोथ, बिफोर, आफ्टर एंड हैविंग एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. 4 नंबर इसका आंसर हो गया. अब हमें बताना है करेक्ट, विच इज करेक्ट अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017. आप अलग से नेट पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को जरूर स्टडी कीजिए. फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस थ्रू कंसर्न पॉलिसी एक्शन इन ऑल सेक्टर्स एंड एक्सपेंड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्योरेटिव पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव. ये सारी सर्विसेज हमें इसमें एक्सपेंड करनी है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. हम आगे 39 क्वेश्चन पे. अब हमें बताना है डायग्नोस्टिक रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में क्या सही है. बोथ रिसर्च डिजाइन आर मच मोर स्ट्रक्चर्ड. सही है. बोथ डिफर लिटिल फ्रॉम, नहीं कह सकते, भी गलत. सी द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ दीज रिसर्च डिजाइन्स आर बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज. बिल्कुल सही है. तो इसमें आंसर हो गया हमारा ए और सी, 3 ऑप्शन. नेक्स्ट, कौन सा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है 2017 में, ये था पैनिक बटन ऑन मोबाइल फोन. नेक्स्ट, रिसर्च के टाइप है आरएम का सिंपल क्वेश्चन आ गया. एक्शन रिसर्च कौन सा है, इवैल्यूएशन, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी रिसर्च, ये सारे रिसर्च के हमें टाइप्स बताने हैं. 41 का 3 ऑप्शन इसका आंसर है. ये आप वीडियो रोक के, वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिए. ये सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है. 42 क्वेश्चन. अब हमें इसमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग टारगेट्स आर करेक्ट. कौन सा टारगेट सही है जो हमें अचीव करना है 2020 में, एज इट विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज 90-90-90 फॉर एचआईवी. एचआईवी के लिए हमारा कौन सा टारगेट है, 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद एचआईवी नो देयर एचआईवी स्टेटस. बिल्कुल है ये. 90% ऑफ ऑल पीपल डायग्नोज विद एचआईवी इन्फेक्शन रिसीव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी. बिल्कुल सही है. 90% ऑफ पीपल रिसीविंग, नहीं ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा. हाँ ये सही नहीं है. डी 90% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी विल हैव वायरल सस्पेंशन. तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 4th, ए बी डी. ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री इन टू वर्ल्ड सोसाइटी विल एक्सर्बेट जेंडर इक्वालिटी. बिल्कुल सही है. वुमेन कंटिन्यू टू एंगेज इन अनपेड वर्क एंड इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेट इन इनफॉर्मल लेबर मार्केट. का क्वेश्चन है ये, लेबर मार्केट की स्टेटमेंट का ग्लोबलाइजेशन कोई लिंक नहीं है. तो ये दोनों सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 हो गया.
अरेंज, अब इनको हमें फिर से अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा रिसर्च हुआ वुमेन के लिए, तो इसका सबसे पहले है डी, रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, SNDT, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुंबई की यूनिवर्सिटी है ये, बहुत अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले ये हुआ, देन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है, देन सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज है, लास्ट में है हमारा अन्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अब हमें ईयर दिए हैं और हमें थीम बताने हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे के कौन कौन से थीम थे 19 अप टू 15, 2015 का हमारे पास क्या था, एम्पावरिंग वुमेन, ये था हमारा डी, इसका हमारा थ्री थर्ड ऑप्शन, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी, सॉरी ये था इसका थीम 2015 का। देन 2016 का फर्स्ट ऑप्शन प्लान 50-50 बाय 2030, स्टेप इट अप फॉर जेंडर इक्वालिटी। 2017 का है हमारा वुमेन इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लान 50-50, एंड लास्ट वन इज टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन। तो दो सेकेंड ऑप्शन हुआ हमारा इसका, ये बोला ये ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है। नाउ इट इज इवन द पेरेंट्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी इज इन स्मॉल विलेज ऑफ इंडिया आर एबल टू अचीव डिजायर्ड फैमिली साइज एंड डिजायर्ड जेंडर कंपोजिशन ऑफ चिल्ड्रन। नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया के विलेज में अभी भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नाउ इट इज बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज इन स्मॉल विलेज हैव इजी एक्सेस टू एडवांस। नहीं, बिल्कुल गलत, दोनों ही आंसर बिल्कुल गलत है। अब फिर से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन दी है और हमें इसको ऑर्डर में लगाना है। 47 का थर्ड ऑप्शन सही आंसर है इसका, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, थर्ड ऑप्शन, एक ही पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसका पहले आएगा डी, फिर ए, फिर सी, फिर बी। नेक्स्ट, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सेड दैट वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशली कंसर्न विद द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स विच इज एक्सपीरियंस्ड एज पर्सनल। ये किसने कहा है, ये कहा है जूलियट मिशेल ने, फोर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एग्रीव्ड वुमेन, एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन हमें बतानी है, इसमें कौन सी है। वुमेन हु आर एंगेज डायरेक्टली विद एन एम्प्लॉयर सही है, हु आर एंगेज इनडायरेक्टली विद कॉन्ट्रैक्टर सही है, हु विजिट एनी वर्क प्लेस सही है, अ स्टूडेंट वर्क के सारे ऑप्शन सही है। तो इसमें आंसर हमारा हो गया 1, फर्स्ट, ABCD। अब नेक्स्ट करेक्ट बताना, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्कीम 2016 एंड 17 के अकॉर्डिंग क्या सही था। द मैंडेट ऑफ स्कीम इज टू स्ट्रेंथन इंटरसेक्टोरियल कवरेज, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम पॉलिटिक्स, सही है, बिल्कुल सही है। इट वॉज अप्रूव्ड एज अ सेंट्रली सपोर्ट स्कीम, हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। द स्कीम इज नाउ इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ 60-40 स्टेट सेंटरशिप, ठीक है, ए बी सी तीनों सही हैं इसके, तो इसका सेकेंड आंसर हुआ 58 का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इनिशिएटेड मई 28 एज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट डे, किसने ये शुरू किया है, ये वॉश लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है। नाउ ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में हमें सही बताना है क्या है, ये फिर हमारा आरएम का क्वेश्चन आ गया, सिंपल आरएम का क्वेश्चन। ऑपरेशनल डेफिनेशन को आप डिटेल में एक बार कर लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर है ए और डी, वीडियो स्टॉप करके आप इसको अच्छे से देखिए, इसका आंसर ए और डी। अब कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है इसमें, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ओलंपिक मेडल, ये वाला पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है, सेकंड आंसर है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ही फॉर शी कैंपेन सेड दैट अचीविंग जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स द एंगेजमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज, इट इज एवरीवनस ड्यूटी, बहुत ही बढ़िया, ये किसने बोला था, ये बोला था एंटोनियो गुटेरेस ने, तो ये सेकंड ऑप्शन है इसका। In developing countries, many of traditional function of family and the household are getting replaced by market commodities and services.
आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? काफी हद तक ये सही है. द वेरी नेचर ऑफ जेंडर रिलेशंस इन फैमिली इन डेवलपिंग सोसाइटी इज रेडिकली चेंजिंग फ्रॉम डिपेंडेंसी प्रोनेस टू इंडिपेंडेंस. वेरी गुड, बिल्कुल सही. थर्ड ऑप्शन आंसर इसका. नाउ करेक्ट बताना है जेंडर बजटिंग इन इंडिया. जेंडर बजटिंग क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपकमिंग कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए. तो जेंडर बजट क्या कह रहा है, जेंडर बजट में एलोकेशन विद 100% फॉर कॉलम ए एंड 30% फॉर कॉलम बी. फोर ऑप्शन. नेक्स्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स इन इंडिया प्लानिंग क्या है. क्या है ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स? आंसर है हमारा थ्री, ए ऑप्शन. इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट्स एंड प्राइवेटली मैनेज इरिगेशन. देन सी, लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी. ये है हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन इंडियन प्लानिंग. अब हम आगे 58 क्वेश्चन पे. अब हमें एजुकेशन पॉलिसी दिया है और उसका हमें फॉर्मूला जो बेस था वो बताना है क्या था. तो नेशनल पॉलिसी, सबसे पहले नेशनल पॉलिसी 68 में आई है, उसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया. देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने थर्ड इसका दिया, रिमूवल ऑफ डिस्पेरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. देन नेशनल पॉलिसी 1992, इस पॉलिसी ने हमें बताया कंडक्ट अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया बेसिस एडमिशन. और नेक्स्ट आ गया ये 2017 का ड्राफ्ट, ये क्वालिटी एजुकेशन पे स्ट्रेस कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर है इसका. नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल. 59, बिल्कुल सही है. ट्रेस एविडेंस सच एज हेयर, सलाइवा, ड्राई सेमेन आर एडुकेटिव. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है. नेक्स्ट, एम ऑफ नायला कबीज सोशल रिलेशन फ्रेमवर्क रिलेटेड टू जेंडर एनालिसिस. नायला कबीर के सोशल रिलेशन फ्रेमवर्क अच्छा है, इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है, आप इसको स्टडी कीजिए. नायला कबीर बहुत अच्छे ऑथर हैं हमारे इस फील्ड, वुमेन स्टडी से रिलेटेड, आप उसको अलग से, उनको अलग से सर्च कीजिए. तो इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज, ए ऑप्शन. देन बी ऑप्शन, टू एम्फेसाइज ह्यूमन बीइंग एज अ फाइनल गोल ऑफ डेवलपमेंट. एंड देन डी ऑप्शन, टू एनालाइज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को एनालाइज करना. तो इसमें हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ये वाला फर्स्ट आंसर. अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 61 क्वेश्चन हमारा सर्शन का आ गया, थ्योरी ऑफ इको फेमिनिज्म इज मल्टी फेसेट एंड मल्टी लोकेटेड. ए तो गलत हो गया हमारा. इको फेमिनिज्म एड्रेस द ऑपरेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड एंड दैट ऑफ वुमेन वाई. बिल्कुल सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट. अब हमें करेक्ट सीक्वेंस करना है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, 62 का वन, ए बी सी डी सारा ये. हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा है लो डेथ रेट है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है विद लो डेथ रेट है, और लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग अवार्ड इज बीन गिवन टू अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच हैज एप्रिशिएबली इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो. तो कौन सा पुरस्कार मिलता है इसलिए, इसलिए मिलता है नारी शक्ति पुरस्कार. नेक्स्ट, फैमिली सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट आर एसेंशियल फैसिलिटेटिव फैक्टर. बिल्कुल सही, ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो गया. वुमेन हैज प्रायोरिटाइज एज पर्सनली डिफाइंड नॉर्म्स एंड फील. बिल्कुल सही, इसका फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ये ऑप्शन हमारे सही है. अब हमें इकोनॉमिक अब्यूज का बताना है. 65 थर्ड आंसर है इसका, ए बी और सी ऑप्शन. इस वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए. इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ, अब बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. तब तक के लिए बाय, थैंक यू.